शिमरन हेटमायर को बाहर कर दिया तो होल्डर मेयर्स की वापसी हो गई है। ये वो होल्डर मेयर्स हैं जिन्होंने कुछ दिन पहले थोड़ी सी अजीब तरीके की स्टेटमेंट दी थी। अजीब इसलिए क्योंकि इन्होंने कहा कि यार हमें सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में मत रखिए, पर हम टीम के लिए अवेलेबल रहेंगे। माने आप देश के लिए अपनी सर्विसेज तो अवेलेबल करवा देते हैं लेकिन गारंटी नहीं देते हैं। लीग क्रिकेट को प्रेफरेंस देने की बात कही गई थी भैया, कि ये जो स्टेटमेंट आई है इसलिए आई क्योंकि जेसन होल्डर और ये जो खिलाड़ी हैं दो तीन, ये लोग जैसे आंड्रे रसल, जेसन होल्डर, काइल मेयर्स, ये सब के सब लीग क्रिकेट को ज़्यादा प्रेफरेंस देंगे। अब वो बात दूसरी है, लेफ्ट हैंड बैट्समैन शिमरन हेटमायर जो कि ताबड़तोड़ बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं, वेस्ट इंडीज के वनडे और टी20 स्क्वाड से बाहर हो गए हैं। वेस्ट इंडीज ने ऑस्ट्रेलिया टूर के लिए व्हाइट बॉल स्क्वाड जारी किया जिसमें जेसन होल्डर और काइल मेयर्स ऑलराउंडर हैं, जो कि दोनों के दोनों ऑलराउंडर्स की वापसी हुई है। नए खिलाड़ियों को भी स्क्वाड में शामिल कर लिया गया। ऑस्ट्रेलिया में वेस्ट इंडीज तीनों फॉर्मेट की सीरीज खेलने जा रही है जो 17 जनवरी से शुरू होगी, वहीं फरवरी में वनडे सीरीज और फिर टी20 सीरीज हो जाएगी। वर्ल्ड कप से पहले ये सीरीज बहुत ज्यादा जरूरी मानी जा रही है क्योंकि एक तो वेस्ट इंडीज होस्ट करेगा, दूसरी तरफ टी20 क्रिकेट की अगर मैं बात करूं तो काफी कम बचा है। ऑस्ट्रेलिया के लिए ये सीरीज वर्ल्ड कप के लिहाज से काफी ज्यादा अहम हो जाएगी क्योंकि कौन ओपन करेगा टी20 में, ये तमाम तरह के सवाल हैं जिसके जवाब हर टीम अब जानने की कोशिश करे। इंडिया की बात करें, वो अफगानिस्तान के साथ खेल रही है, उसमें भी कई सारे ऑप्शंस हैं हमारे पास, तो वो क्लियर करने की कोशिश हो रही है। लेकिन हमारे पास दिक्कत ये है कि हमारे पास आखिरी इंटरनेशनल सीरीज है टी20 फॉर्मेट में। बात अगर मैं करूं वेस्ट इंडीज की तो जेसन होल्डर टेस्ट में नजर नहीं आएंगे। दोनों टीमों के बीच 17 फरवरी को एडिलेड में पहला मुकाबला खेला जाएगा। वेस्ट इंडीज की टेस्ट टीम ऑस्ट्रेलिया पहुंच भी चुकी है और क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के 11 से वार्म अप मैचेस भी खेल रहे हैं जिसमें जो नए खिलाड़ी हैं वो अच्छा परफॉर्म भी कर रहे हैं। लेकिन इसमें एक जो बड़ी चीज वो है वो ये है कि जेसन होल्डर टेस्ट स्क्वाड में शामिल नहीं, एक वक्त को दुनिया के नंबर वन ऑलराउंडर रहे जेसन होल्डर टेस्ट फॉर्मेट में शामिल नहीं किए गए हैं। उन्होंने खुद को टेस्ट दौरे के लिए अवेलेबल नहीं किया है, आप समझ गए ना। ये होता है दरअसल जो वो कॉन्ट्रैक्ट वाली बात थी वो यहां पर निकल के आती है। पूरा खेल इसलिए खेला गया था कि आप सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट हमें मत दीजिए पर हम आपके लिए देश के लिए अवेलेबल रहेंगे, और जहां टेस्ट क्रिकेट क्या है इन्होंने अवेलेबिलिटी को लात मार दी, वो स्टेटमेंट को लात मार दी। और यही हुआ भी क्योंकि फ्रेंचाइजी क्रिकेट के साथ इनके कॉन्ट्रैक्ट हैं। टेस्ट टीम की कैप्टेंसी क्रेग ब्रेथवेट कर रहे हैं, इस टीम में अल्जारी जोसेफ, टेविन इमलाक, गुडाकेश मोती और सीम में एलिक एथॉन्स हैं। ये चार प्लेयर हैं जो कि लिमिटेड ओवर सीरीज भी खेलेंगे, यानी कि ऑल फॉर्मेट प्लेयर वेस्ट इंडीज की तरफ से ये खिलाड़ी रहने वाले हैं। बाकी अगर मेयर्स और होल्डर की बात करूं तो ये वनडे सीरीज से बाहर है, काइल मेयर्स और जेसन होल्डर। मतलब अब जो पूरी इन्होंने स्टेटमेंट दी थी उसकी बख्खियां इन्होंने खुद उधेड़ दी हैं कि हम देश के लिए अवेलेबल रहेंगे। आप कहाँ अवेलेबल, आप बेसिकली ये है कि आप टी20 फॉर्मेट खेलेंगे और वर्ल्ड कप में अपनी जगह पक्की करेंगे। आंड्रे रसल हो, जेसन होल्डर हो, काइल मेयर्स हो, टी20 टीम के कैप्टन ब्रेंडन किंग हैं और एक बार फिर से वो भी सीरीज में शामिल होने वाले की परमिशन मिल गई है। मतलब तमाम तरह की चीजें वेस्ट इंडीज क्रिकेट जो खराब कर रही हैं वो लीग क्रिकेट है। और एक बार फिर से उन्होंने ये कह दिया कि हाँ, लीग क्रिकेट के चक्कर में हम अपना टेस्ट और ओडीआई नहीं खेलेंगे। सवाल यही आता है कि लीग क्रिकेट एक बार फिर से वेस्ट इंडीज को खराब कर देगा, क्या सिर्फ और सिर्फ प्लेयर्स वो फॉर्मेट खेलेंगे जिसका आईसीसी ट्रॉफी, आईसीसी इवेंट आने वाला होगा? क्योंकि अगर यही हालात रहे तो आप सिर्फ एक फॉर्मेट को तवज्जो देंगे और ये जो ऑल फॉर्मेट प्लेयर वाला कंसेप्ट है धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। आपको क्या लगता है कि वाकई में इस तरह से सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में शामिल नहीं होना और वो फर्जी स्टेटमेंट देके अपनी स्टेटमेंट से मुंह मोड़ लेना कितना सही और कितना गलत है, मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाएं।